અને હવે આગળ વાત કરીએ કોના હાથમાં કમાન્ડની। तो आज जीसीसीआई चूंटणी परिणाम जाहिर थवानुं छे। साढ़ा दस कलाके मतगणतरी हाथ धरवामां आवशे अने आजे परिणाम पर सौ कोईनी नजर रहेली छे। आजे जीसीसीआई चूंटणी परिणाम जाहिर थवानुं छे। थोड़ी वार में मतगणतरी शुरू करवामां आवशे अने 3500 मतदार पैकी 1680 लोकोए पोताना मताधिकारनो उपयोग कर्यो। जीसीसीआईनी चूंटणी में 48% वोटिंग नोंधायुं अने आजे परिणाम जाहिर થવાનું છે। प्रगति और आत्मनिर्भर पेनल वच्चे जंग જોવા મળશે। વધુ જાણકારી મેળવીએ સંવાદદાતા આયુષી યાજ્ઞિક પાસેથી। આયુષી, આજે જીસીસીઆઈ ની ચૂંટણી નું પરિણામ જાહેર થવા જઈ રહ્યું છે, સૌ કોઈની નજર આ પરિણામ પર। તો સંપર્ક અપાઈ ગયો છે, આજે જીસીસીઆઈ ની ચૂંટણી માં परिणाम आज जाहिर थवानुं छे त्यारे प्रगति अने आत्मनिर्भर पेनल वच्चे सीधो जंग आ मतदार में जोवा मळ्यो अने आज परिणाम पर सौ कोईनी नजर रहेली छे। तो थोड़ी ज वार में मतगणतरी शुरू थवानी छे। जीसीसीआई नुं आज परिणाम जाहिर थशे। 48% वोटिंग जो के नोंधायुं हतुं। प्रगति अने आत्मनिर्भर पेनल वच्चे सीधो जंग जोवा मळ्यो हतो। तो जीसीसीआई नुं आजे परिणाम थोड़ी ज वारमां मतगणतरी हाथ धरावानी छे। 48% जेटलुं वोटिंग थयुं हतुं। फरीथी संवाददाता आयुषी आपणी साथे जोडाया छे। आयुषी, आजे जीसीसीआई नी चूंटणी नुं परिणाम जाहेर थवानुं छे, सौ कोईनी नजर आ परिणाम पर। बिल्कुल सोनल, जी रीते गुजरात चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नु जे इलेक्शन छे ते योजायुं हतुं, कोविड ना कारणे थोड़ो विलंब सर्जायो हतो इलेक्शन ने लईने, एटले मोड़ा जे तेनुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं कोविड नी गाइडलाइन ने ध्यानमां राखी, अने आखुं जे इलेक्शन छे ते योजवामां आव्युं छे। त्यारे तेनी मतगणतरी छे थोड़ीक ज वारमां हवे शरू थवा जई रही छे। खास करीने 3400 माथी कुल 1444 जेटला सभ्योए मतदान कर्युं हतुं, त्यारे 10:30 आसपास गणतरी शरू थई चुकशे थशे। अने खास करीने चेम्बरनी चूंटणी माटे बे पद सौथी महत्वना रहेवाना छे, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अने वाइस प्रेसिडेंटना पद माटे जे छे ते खूब ज महत्वना पद कही शकाय। एटलू ज नहीं, परंतु जे रीते सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पदे हेमंत शाह अने जयेन्द्र तन्ना छे के जे बने उम्मीदवारो छे, जे सेनेटाइजिंग अने तमाम बाबतोनुं ध्यान राखवामां आव्युं छे, तकेदारी राखवामां आवी छे। अने त्यारबाद ज अहींया कही शकाय के जे हवे गणतरीनी मिनिटोमां जे इलेक्शननुं काउंटिंग छे ते शरू थई चूक छे। वाइस प्रेसिडेंटना पदेथी जे रीते के आई पटेल, अशोक पटेल अने भावेश लखाणी छे दावेदार छे। लाइफ पेटर्न स्थानिकनी जे बे बैठकों छे तेमां 5 दावेदारों छे। लाइफ पेटर्न बहार गामनी एक बैठक माटे 2 दावेदारों छे। बिजनेस एसोसिएशननी स्थानिक अने जे 2 बैठकों छे तेना माटे पण 3 जेटला दावेदारों छे। बिजनेस एसोसिएशन जे बहार गामनी बैठक छे तेना माटे पण 2 जेटला दावेदारों छे। अने हवे जे गणतरी छे ते टूंक समयमां जे शरू थई जवानी छे। सामान्य केटेगरीमां पण स्थानिक कमिटीनी 8 बैठकोना दावेदारों छे, एटले के कोविडनी तमाम गाइडलाइननुं ध्यान राखवामां आवी रह्युं छे। अने त्यारबाद जे इलेक्शन गईकाले योजायुं हतुं तेनी मतगणतरी शरू थई जशे। प्रगति अने आत्मनिर्भर बंने पेनलो जे छे तेनी वच्चेनो कटोकटीनो जंग छे। त्यारे हवे थोड़ीक ज वारमां कई पेनलनो विजय थाय छे अने कोना हाथमां जीसीसीआईने कमान छे ते जे जाहेरात छे ते थई जशे। जी आयुषी, आभार जानकारी आपवा माटे। तो आजे जीसीसीआईनी ચૂંટણીનું પરિણામ જાહેર થવાનું છે। ચૂંટણીમાં 48% જેટલું વોટિંગ થયું હતું। ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સની ચૂંટણીનું આજે બપોરે પરિણામ આવવાનું છે। કોરોના કાળમાં 48% જેટલું મતદાન નોંધાયું હતું, થોડી જ વારમાં મતગણતરી શરૂ થવાની છે।